नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से आते समय इंडिया गोल्ड लेके आना कितना आसान है। जी हाँ भाई, देखिए लोग इतने लोगों को पता होता है, जो आप यकीन मानिए, जो लोग गोल्ड लेके आते हैं उनको पता होता है एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन वो रिस्क ले लेते हैं। निकल गए तो ठीक है, अच्छा पैसा बन जाएगा, पकड़े गए तो भी ठीक है, हमारा क्या जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो गोल्ड उनका नहीं होता है, वो तस्करों का गोल्ड होता है। वो रिस्क लेके प्लान बना के उनको भेजते हैं और लगभग निकल जाते हैं, लेकिन लोग बच जाते हैं। लगभग लोगों की भैया एयरपोर्ट पे होती है चैटिंग। जी हाँ, ये तय बात है, क्योंकि मेरे सामने जो आंकड़े आते हैं, लोग 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 10 किलो गोल्ड लेके आते हैं और वहाँ आराम से यहाँ सप्लाई करते हैं, तो वो गोल्ड निकलता कैसे है? जब आपसे यार 2 लाख 5 लाख का गोल्ड वो निकाल लेते जो कस्टम विभाग वाले, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, तो क्या इतना गोल्ड फिर कैसे निकलता है? निकलता है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे, जी हाँ, अमृतसर पंजाब एयरपोर्ट पे जी एक बंदा पकड़ा गया, 7 लाख रुपए का गोल्ड। जी हाँ, देखिए तस्कर लोग हैं वो तरीका अपनाते हैं, लेकिन भैया जो ईमानदार अधिकारी है ना, वो पैसा नहीं लेते हैं, वो बंदे को कैच करते हैं, उनकी नजरें होती हैं। देखिए इस बंदे ने क्या किया, लगभग 174 ग्राम इसके पास गोल्ड था, इसको इसने प्लानिंग के तहत इसको पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के पैंट में छिपाया और पैंट ऊपर से पहन के आराम से चल के आ रहा था। ये बंदा बता दूं सिक्योरिटी चेकिंग पार कर गया, यानी निकल गया था आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो इमिग्रेशन जो कस्टम विभाग के जो अधिकारी होते हैं ना, वो आपके ऊपर नजरें होती हैं, वो आराम से शांत ऐसे खड़े होते हैं। कई लोग तो चश्मा लगा के होते हैं, वो चश्मा से अंदर से देख रहे होते हैं, कई लोग आराम से उनकी नजरें आपके ऊपर होती हैं। जी हाँ, वो काफी दूर से वो टटोल लेते हैं कि हाँ, तो उनको वो निकल गया, लेकिन उनकी नजरें देखे पीछा कर रही थी बंदे की, उनकी चाल में उनको फर्क लगा, चाल में फर्क लगते ही बंदे को रुका लिया, चेकिंग करी, तो बता दूं पैंट के अंदर से लगभग 7,40,000 रुपए का गोल्ड निकला। जी हाँ, अब आप सोचिए बंदे देखिए कितना चालाकी करते हैं कि देखिए जो डिटेक्टर होता है आपको पता है, मेटल डिटेक्टर होता है, वो उसको कैच कर लेता है, आवाज करने लग जाता है, लेकिन ये तस्कर लोग उसको चेंज कर देते हैं, उसको पेस्ट बना लेते हैं। अब मेटल डिटेक्टर है वो उस पेस्ट को फिर कैच नहीं कर पाता और वो उसमें से आराम से निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। लेकिन उसके बाद में जो अधिकारी होते हैं उनकी नजरें वो डिटेक्टर से ज्यादा गहरी होती है और वो कैच कर लेती है। पता है पिछली बार दुबई दिल्ली में भी ऐसे ही पकड़ा गया था, 160 ग्राम जी हाँ गोल्ड दिल्ली में पकड़ा गया था, पोस्ट बना के बंदा लेके आ रहा था, लेकिन मेटल डिटेक्टर से बच गया, लेकिन अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। जी हाँ, उससे पहले भी पंजाब में ऐसे ही एक मामला था जिसमें पकड़ा गया था। तो कहने का मतलब है कि मेटल डिटेक्टर है वो पेस्ट को, जो पेस्ट बना के लेके आते हैं ना, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये लोग उसी का फायदा उठा लेते हैं, उसमें से काफी सारे लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन जो नजरों में आ जाते हैं उनको वो कैच कर लेते हैं। तो भैया जो सोने की तस्करी दुबई से लेकर इंडिया आने की या किसी भी देश में आने की सोचते हैं, तो सावधानी तो रेंट कर रखनी पड़ेगी, पकड़े गए तो मुकदमा तो लगेगा ही लगेगा, नो डाउट। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।